तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज है व्लॉग 3 और दिन है आज 30 जनवरी। और हाँ, ये वाले इधर वाले जो है, हाँ, तो अभी क्लिनिक के लिए अगेन पहले व्लॉग बनाया और आज बच्चा पार्टी जो है लगे हुए हैं अपना, जिनका संडे जो है गेम खेलने का दिन होता है, तो ये अपना लगे हुए हैं गेम खेलने में। क्या खेल रहे हो भाई? GTA। तो ये GTA अपना खेलने में बिजी हैं और जल्दी जल्दी से भाग रहा हूँ अभी क्लिनिक, और ऑलमोस्ट कपड़े पहन के तैयार हो चुका हूँ। क्या? हाँ, तेरा कट रात दिखा तो दिया था मैंने, कट दिखा दिया था, तो अभी जल्दी से चलता हूँ। और रात मैंने बहुत अच्छे 2 कल केस दिखाए थे आपको, कोशिश करता हूँ आज भी पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कराऊंगा। और बाकी आज संडे है तो आज शाम को हम बाहर भी कहीं जाने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। और अन्नी की आज तबीयत खराब है, अन्नी की आज तबीयत खराब है, और अन्नी की जब तबीयत खराब होती है तो ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अन्नी तेरा दांत भी टूट गया, दिखाना दिखाना। सुबह सुबह नाक पूज रहा था अपने जुकाम के चक्कर में। क्या कर रहा था? नाक बोल रहा अपने से निकल गया दांत। नाक के चक्कर में दांत निकल गया? वाह वाह, अन्नी मुझे लग रहा है तू बड़ा ओके अच्छा डेंटिस्ट बनेगा। है मैं हैंकी लेके ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ये वाला पार्ट है दांत पे लग गया और दांत नीचे। भाई वाह, कभी कभी मुझे लगता है तू दांत निकालने का भी भगवान ही है। अब किडनैप करना पड़ेगा देवी। कहाँ बेटा, ऐसे किडनैप किडनैप मत किया करो किसी है जो है। लास्ट मिशन है ना, चलो तो अन्नी आ रू बेटा, बीच में जो है अपना रेस्ट जरूर कर लेना। और इन चीजों को देखो, ये क्या फैला रखी है सारी चीजें, ग्लोब पृथ्वी तुमने उल्टी कर रखी है, यहाँ पे जो है यहाँ भूचाल आ जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, सुबह सुबह का हमारा जो है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में ये है स्ट्रॉबेरी स्मूथी, और स्ट्रॉबेरी और ओट्स वगैरह को डाल के जो है इसे बनाया हुआ है। अन्नी पिएगा बेटा? क्यों, बीमार है? हाँ कैसे करना है कि स्टाइल कर तो जल्दी कर। खराब भाई जोगिंदर, आज इतने मोमोज खा जाएगा कि मामा ने बिना सोची किसी ने भी नहीं सोची। चलो खेलो, और ज्यादा देर तक मत खेलना। तो दोस्तों अभी 11 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं क्लिनिक, और आज का दिन क्योंकि संडे है तो पूरा हैक्टिक रहने वाला है, और कल मंडे है तो कल जो है छुट्टी रहेगी क्लिनिक की, तो आज का दिन थोड़ा सा शाम का मस्ती टाइम भी है। तो आपको जो नोएडा ग्रेटर नोएडा में जो अच्छी जगह है घूमने के लिए, घूमने के लिए क्या कि जो मुझे पर्सनली स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, तो जहाँ पे अच्छे स्ट्रीट फूड मिलेंगे वो भी आज शाम को आपको दिखाएंगे। और विद फैमिली एक बार आज जाना है, और शायद अभी मेरे पास अंकुर जी का भी, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है अंकुर का भी कॉल आया था, तो उसने भी बोला कि यार कहीं चलते हैं, तो आज देखते हैं कि कहाँ का शाम का प्रोग्राम बनता है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और इवनिंग में मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या किस तरह का रूटीन रहता है। और अगर क्लिनिक पे भी कोई भी ऐसा कुछ केस रहेगा, कोई भी पेशेंट रहेगा, तो वो भी आपको जो है मैं जरूर आपको जो है दिखाऊंगा। और अभी धीरे धीरे आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि जब से बोल रहा था इधर देख के बोल रहा था, और अभी पता लगा कि कैमरा तो इधर है। तो क्योंकि फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, और बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह दोस्तों मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने यही सोचा कि यार ज़्यादा एडिटिंग बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह डालूंगा तो वो उतना टाइम भी नहीं है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा सिंपल एकदम बिल्कुल बिना किसी एडिटिंग के व्लॉग्स को रखने वाला हूँ, और आशा करता हूँ आपको ये पसंद भी आएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं क्लिनिक। दोस्तों शुरू करते हैं क्लिनिक। कितने दिन पुराना है निशान? ये डेढ़ महीना हो गया सर। डेढ़ महीना हो गया ना चोट का निशान है अभी? जी। तो अभी इसके लिए हम करेंगे क्यूफिच लेजर जो है, और सबसे एडवांस लेजर है ये क्यूफिच लेजर है, क्यूफिच इसका नाम है, Q6, लेकिन Q6 है।
अभी वेटिंग है, देखेगा अभी तो अभी दिखाओ मुझे फेस एक बार। अब ये हल्का सा थोड़ा सा स्पॉट टाइप का इधर बचा हुआ है ना, दूसरी साइड दिखाओ फेस। हाँ अब इधर से पूरी तरह से क्लीन है, दिखाओ सीधा करो फेस, सीधा सीधा पूरा सीधा कर लो, सीधा मेरी तरफ। हाँ बस ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ लेते हुए मेडिसिन? 4-4.5 महीने तो हो गए। 4 मंथ हो गए ना। और ठीक कितना है अभी ये 4 महीने में? 4 महीने में तो काफी ठीक हो गया है, बस यही रह रहा है, हल्का सा रह गया ना, पहले पूरा भरा हुआ था है ना, पूरे चेहरे पे मोटे मोटे जो है पूरे चेहरे पे ही थे। ठीक है, तो अभी मैं आज से जो है अभी स्कार के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ मेडिसिन जो है ना निशान के लिए। हाँ जी। और इसके बाद धीरे धीरे करके लगभग अभी 2 मंथ और लगेंगे, 2 महीने और लगेंगे। 2 महीने में जो निशान है ना, इधर दिखाओ दूसरी साइड, ये छोटे छोटे से जो हल्के हल्के से स्पॉट बचे हुए हैं, ये सारे के सारे भी पूरी तरह से क्लीन हो गए। हाँ, तो टोटल हमारा 6 मंथ का ट्रीटमेंट भी हो जाएगा ये, और ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं इकट्ठा 1 महीने की मेडिसिन दे तो अभी 15 दिन हुए मेडिसिन लेते हुए। हाँ जी 15 दिन है ना, 15 डेज तक पहले ये पूरे पे थे, बड़े बड़े जो है ना इतने सारे के सारे काफी टूट गए, तो ये अपने आप ही इन्होंने बोला था कि कराने के लिए, लेकिन मैंने एडवाइस किया था कि पहले एक बार मेडिसिन लेंगे उसके बाद फिर करेंगे अगर बचेंगे। सोते हुए खुजली होती है ना ऐसे, करने पे टूट गए तो सारे खत्म हो गए, बस कुछ बचे थे वो मैंने आज रिमूव कर दिए, हालांकि इनको जल्दी थी, अदरवाइज वो ये भी मेडिसिन से भी जा सकते थे। इसको कर देता हूँ अभी, एक और रह गया है। तो दोस्तों टाइम अभी हो चुका है, 5 बज चुके हैं और 11 बजे से 5 बजे लगातार नॉन स्टॉप मैंने अभी पेशेंट देखे हैं, ट्रीटमेंट भी काफ़ी किए थे और 2-1 ट्रीटमेंट मैंने अभी आपके जो है सूट भी किया है, जिनको मैंने अभी अपने व्लॉग में मैं डालूंगा अभी। तो संडे सैटरडे संडे 2 दिन थोड़े से हैक्टिक होते हैं और अभी भूख भी बहुत तेज लग रही है, क्योंकि बीच में कुछ खाने का टाइम भी नहीं मिला, बस एक कॉफ़ी पिया था और बस अभी लगभग 5:30-6 बजे तक घर, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और साथ के साथ आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसको जो है सारी चीज़ें मसाला जो है ना सारा चीज़ें होनी चाहिए, भाई मस्ती भी हो गई, व्लॉग में जो है एजुकेशन भी हो गई। तो ये है हमारा डॉक्टर्स इन्वेंशन प्रोफेशनल का जो है सनस्क्रीन SPF 50+, और ये एक मात्र अकेला ऐसा सनस्क्रीन है जो कि है सिरामाइड के साथ और जो है आपका एंटी एजिंग पेप्टाइड के साथ, कोई भी सनस्क्रीन इस तरह से नहीं आता है। और जो पेप्टाइड और सेरामाइड के साथ अगर कोई सनस्क्रीन आपको मिलेगा, वो कम से कम भी आपको 5-6,000 का सीरम सनस्क्रीन मिलेगा, तो बहुत एडवांस सनस्क्रीन है जो कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। अब दूसरी एक और बात बताऊं कि नॉर्मली जितने भी हमारे चाहे वो सनस्क्रीन है या फिर चाहे वो क्रीम है, डे क्रीम है, चाहे ग्लूटाथोन है, सारे के सारे प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो जब भी आप सोचते हैं कि यार डॉक्टर ललित कसाना के प्रोडक्ट या हमारी कंपनी के प्रोडक्ट जो है कॉस्टली हैं, तो आप उसका इंग्रेडिएंट देखिए, आप कंपेयर करो, आपको उस तरह का इंग्रेडिएंट, उस तरह की सारे के सारे जितने भी जो आपके मतलब एक तरह से जो एक्टिव्स हैं, वो किसी भी प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये मुझे एक लगा कि कोई भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको बता दूंगा, तो ये भी रखूंगा, एक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी आपको बताता रहूंगा। और सनस्क्रीन तो भैया मस्ट है, जब भी आप बाहर जाओ सनस्क्रीन जरूर यूज करो। तो आज का पूरा दिन ज्यादा टाइम एजुकेशन का टाइम रहा, आपको पढ़ाने का टाइम, बताने का टाइम, पढ़ाने का नहीं, आपको अवेयर करने का टाइम रहा, अभी टाइम थोड़ा सा अब इंजॉय का टाइम, अब देखो क्या बनता है या फिर घर जाके सोना ही पड़ेगा, देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, हमारा घूमने वाला प्रोग्राम तो हो चुका है कैंसिल। अब
अंकुर जी जो हैं हमारे भाई साहब, उनको कुछ काम आ गया, उन्होंने बहाना मार दिया, बहाना मारा या सच्ची काम आ गया। तो अभी हम और डॉक्टर पूजा जा रहे हैं गुलाउठी, एक काम था कुछ, वो काम एक बार करने के लिए कि वो अपना कंप्लीट भी हो जाए। कुछ मेडिसिंस थी पीछे रखी हुई है, एक मेडिसिन भी देके आनी थी कि ये देखे, और बच्चे अभी घर पे ही हैं तो हमें 2 घंटे के अंदर अंदर आना है वापस। अभी 5:30 हो रहे हैं, हाँ अभी 5:30 हो रहे हैं और 7 बजे तक हम वापस आ जाएंगे। लगता नहीं 7 बजे वापस आएंगे, थोड़ा लेट होंगे। चलो देखते हैं। और गाड़ी, अभी डीजल भरवा रहा हूँ गाड़ी में, है ना, तो अभी गाड़ी में डीजल भरता है। फिर आज का काफी दिन अच्छा रहा, क्लिनिक का भी अच्छा रहा, और अभी अब जा ही रहे हैं और अच्छी जगह जा रहे हैं। हाँ। और अच्छा हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है गुलाउठी, गुलाउठी के नाम से गुलाउठी, गुलाउठी ये समझो कि अपने आप में जिन लोगों ने नहीं सुना वो एक कंट्री है, है ना। गुलाउठी, गुलाउठी एक कंट्री, गुलाउठी एक देश है, गुलाउठी अपना ही राज करते हैं। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए आपको वीजा भी चाहिए, पासपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक कंट्री में, गुलाउठी, गुलाउठी दी कंट्री। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कंट्री के अपने आप में एक अलग दुनिया है गुलाउठी वालों के लिए, गुलाउठी। डॉक्टर पूजा जो है वो साइलेंट हंसी हंस रही है, मुंह भींच के अपना जो है हंसी तो आ रही है, और ये बात उन्हीं के लिए ही है क्योंकि इनकी नजरों में जो है गुलाउठी मतलब ऐसा समझो कि भाई साहब मतलब पेरिस, यूएस, यूके, मतलब कुछ भी नहीं, जो है वो सिर्फ गुलाउठी है बस, और कुछ नहीं है। देश दुनिया सब सब झूठ है, सब सब खत्म, सब खत्म, बस हो गया, हो गया, सब खत्म, बस गुलाउठी एक सच है। देखिए जनाब क्या हरी भरी रोड्स, एकदम जबरदस्त, खाली खाली, ये है ग्रेटर नोएडा का मजा। और अभी आपको मजा दिखाएंगे गुलाउठी का भी। तो यू कैन कंपेयर बिटवीन, तो मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो बढ़िया बात बता रहा हूँ ना, अरे बहुत अलग खुशबू आती है भाई साहब गुलाउठी की, पूछो मत आप, अलग ही हवा, बिल्कुल हवा अलग है, एकदम ऐसी हवा अलग है कि मतलब बिल्कुल अलग ही हवा है। अब वो हवा जो है ना, हवा कैसी हवा है, वो हवा सिर्फ या तो डॉक्टर पूजा को पता है या फिर शेखर को पता है या फिर आरती को पता है, चपराना फैमिली, हाँ चपराना फैमिली को पता है कि गुलाउठी की हवा जो है हल्के में ले लेता हूँ, अलग है भैया, हम क्यों हल्के में लेते हैं, नहीं लगता है कभी कभी, ना ना मैं नहीं हल्के में लेता भैया, भाई साहब गलती मैं पिटवाऊ मुझे चपराना फैमिली में, ना भैया मैं बहुत डरता हूँ। ये लग रहा है कि आप गुलाउठी जा रहे हैं, गुलाउठी जा कौन रहा है, हम एक फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, गुलाउठी कह के उसकी बेइज्जती मत करो, नहीं नाम गुलाउठी है उसका यार, क्यों बेइज्जती की होगी, गुलाउठी गुलाउठी है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेने पड़ेंगे आपको, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। जबरदस्त व्यू, देखिए ना डॉक्टर पूजा आपकी भी क्रिएटिविटी जो है वो एक अलग लिया है, आया सामने दिखाइएगा जरा, मतलब हमारा भी कोई ये है डॉक्टर ललित कसाना, द डॉक्टर ललित कसाना, हमारा भी कोई व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है आपका पूरा व्यू आ रहा है ऐसे साइड से ना, रास्ता इतना अच्छा बन गया है कि अभी हम ग्रेटर नोएडा अगर चढ़े, अगर हमें सोनीपत भी जाना है तो ग्रेटर नोएडा से सोनीपत आप मात्र 1 घंटे में बिल्कुल बहुत आराम से पहुंच जाते हैं, मतलब सिर्फ घर से लेके सोनीपत जहां मेरा
फैक्ट्री जाता हूँ, उधर जाने में ही टोटल कम से कम भी ये समझो कि आपका मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपका 1.5 घंटा लगता है। आप बहुत अगर इंजॉय करते हुए रील्स बनाते हुए जा रहे हो, देखे क्या रील्स के लिए क्या जगह है। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे रोड पे जाते हुए आपको नीलगाय बहुत जरूर मिलेंगी। मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम आए हैं और हमें कभी नीलगाय नहीं मिली है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है ना खाली खाली, देखो मैंने क्या कहा था, नीलगाय का नाम लिया और नीलगाय दिख गई। ओ बोरी देखेगा दोस्तों क्या सनसेट, और ये देखेगा क्या वन्य प्राणी। देखेगा दोस्तों तो ये है इसकी खासियत, आपको ये देखेगा ये हुआ है, हटा पीछा हटा मेल नील का है, ये ब्लैक वाला जो है ना। आप यार तुम ऐसी बात कह भी कैसे सकती हो, ये देखना दोस्तों अभी रुक जाओ, ये आपको ये यहाँ पे ऊपर आकर रोड पे अटैक कर देगी। ये पूछेगी नहीं कि मैं आऊँ अटैक, ये आपको यहाँ अटैक कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते है? आराम से यार, नील गाय कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आराम से आ सकती है। यार जब भी आप ऐसी बात कर देते हो तो मुझे लगता है कि आप सच में ही गुलावटी से ही हो। देखा ना करना, मतलब ये देखेगा दोस्तों नहीं आ सकती वहां से, आने में उसको टच नहीं लग रहा है। नील गाय आराम से, नील गाय ये जो एक तो देखो पहले ये बाउंड्री है पूरी की पूरी, ठीक है। दूसरा वहां से खुला है, चलो वहां से खुला है, ये कितना बड़ा रास्ता, कितना बड़ा गैप इसे तोड़ के ऊपर तुम्हारे पास गाड़ी में बैठ के अटैक करने आएगी ये, और वो भी नील गाय, जो अगर आप निकल के भी जाओगे ना थोड़ी सी आवाज हुई तो ये भाग जाएंगी तुरंत सारी की सारी जो है। ओके बाय, चलो चले हम। मैं क्लिक करके अब नीचे वो कर दो, मैं इसको नीचे करो, नीचे किस तरफ कर दो, मैं ऐसे और नीचे करो, ये देखिएगा ऐसा लग रहा है सनसेट का। चलो चलने तो चलने दो, देखो पेड़ आएंगे पेड़ के साथ, वेरी नाइस। वाह आप बड़ी होकर जरूर एक अच्छी, मैं और कितनी बड़ी होगी कुछ बनने के लिए, मैं बड़ी होगी मैं कमाल ही कर दिया आज तो आपने, 5 रुपए वसूल हो गए आज तो। Shut up, 5 रुपए, 5 रुपए फोटोग्राफी कर दिया आज तो। बोलो इंसल्ट कोई करना आपसे सीखे, आप बुलंद शहर उड़ने वाले हैं हम अब, देखो गुलावटी तो है एक देखिएगा गुलावटी तो एक देश, अब ये जो बुलंद शहर है यार ये अलग बला है, ये बुलंद शहर को आप कह सकते हो जैसे अर्थ है ये अर्थ पे दूसरा अर्थ है ना, ये अपने आप में एक अलग अर्थ है, गोला गोला है, एक बुलंदशहर जो है वो एक गोला है। बहुत भाई साहब जिसने इस गाने इस म्यूजिक सिस्टम में सॉन्ग भरे हैं ना वो बेचारा भर के आए हैं, ये होता है, आप ना यही नहीं आप कहीं भी जाओगे, मुझे लग रहा है बेचारे का इतना दिल टूटा है, इतना दिल टूटा है, एक गाना एक से एक गाना ऐसा गाना कि भाई साहब आदमी रो जाए, जिसकी बीवी पास बैठी है वो भी यूं सोचा कि मेरा दिल टूटा पड़ा है। अच्छा हर जगह आप कहीं भी, आपने अगर किसी को बोला कि हमारे सिस्टम में गाना डाल दो, वो ऐसे ऐसे गाने डालेंगे ना कि आप रो जाओगे। दिक्कत उसमें एक और है कि लगभग मुझे लग रहा है कि 90% जनता जो है ना भारत की वो बेचारी दिल से जो है
टूट गया वाली कंडीशन रहती है, जॉर्डन वाली जो है। अभी इसमें सारे गाने ऐसे ही सारे है। इतने जबरदस्त जबरदस्त गाने हैं भाई साहब, पूछो मत। चलो बैक टू सॉन्ग, बैक टू सॉन्ग करो स्टार्ट। साइड में आपको ब्रांड्स के होर्डिंग दिख रहे होंगे, जैसे भूटानी है, रेड टेप है ना? अभी आपको एक बड़ा ब्रांड दिखेगा, ओ माय गॉड, वो दिखेगा। दिखने लगा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, आ गया है, आ गया है। ये देखिएगा सामने, आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये आ गया है, देखो। ओ माय गॉड, आप जूम करिए जरा इसको, ऐसे कैसे ये आपको दिख रहा है क्या? कौन है ये, कौन है स्मार्ट लड़का? लड़का कौन है ये? डॉक्टर पूजा कसाना, माय गॉड। डॉक्टर पूजा कसाना का तो फोटो भी नहीं है। अरे फोटो फोटो लगा लो। नहीं, कौन नहीं, है डॉक्टर ललित कसाना स्मार्ट बॉय? ओ माय गॉड, आपने दिखाया। देखिएगा हरा भरा, मुझे तो खेत था साइड में जो है उसका, जो सरसों खेत था, रील्स बनाने में। तो दोस्तों आपको हवा में खुशबू महसूस होने लगी होगी, अगर आपको महसूस नहीं हो रही है तो इसका मतलब आपके अंदर देश प्रेम नहीं है। पहले भी एक ट्रक हो गए, और इनमें ये देखिए ट्रक आ गया, कैसा ट्रक हो गए ये। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गुरावटी, ऐसी सर्विस देखी है कहीं, कुरियर सर्विस? ये है डॉक्टर इन्वेंशन कंपनी का। देखो डॉक्टर इन्वेंशन की कुरियर सर्विस ऐसी है, ऑन टाइम डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी, फास्टेस्ट डिलीवरी। चाहे 500 रुपए की चीज को देखाने में 1000 रुपए खर्च हो जाए, लेकिन डिलीवरी फास्ट है। भीड़ भाड़, गुलाउठी की भीड़ भाड़, ये देखिएगा। हाँ मंत्री जी हट जाइए। देखिएगा एक आदमी पे तीन तीन चार चार, यहाँ खासियत यही है कि आपको एक भी आदमी यहाँ रूल्स फॉलो करता, ओ माय गॉड फरारी, गुलावटी में फरारी, फरारी। यार तुमने इसकी राइड ली ना अभी? तुम्हें नहीं 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 नहीं, मुझे है आइडिया, मतलब मैं कोई ऐसा कोई पेरिस में पैदा नहीं हुआ, हालांकि सकलपुरा भी अपने आप में एक कंट्री ही है। उसका भी कराएंगे विजिट कराएंगे आपको। तो भैया डॉक्टर पूजा के जन्म स्थान जन्मभूमि पे आ चुके हैं, और ये देखिएगा भीड़ में कोई कमी नहीं है यहाँ। इतने मैं हॉर्न नहीं बजा रहा क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहा सुनी है कि भैंस के आके भीड़ में जाने से कोई फायदा है नहीं है, तो इसलिए ये देखिए हटेगा ही। क्या मतलब डंडा और दिखा सके मुझे अगर मैंने हॉर्न मार दिया? आपको लगने वाला था डंडा अभी नहीं पता कुछ नहीं, डंडा पीछे छोड़ दे, बोलते भाई साहब गलती से लग गया। देखिएगा यस साहब, अब देखिएगा एक ओ फरारी वाले ने तो चलो अच्छी बात है, मैं बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाना था, नहीं तो आज ये हाई स्पीड गियर डाल दिया, अभी आवाज आई, इसका मतलब इसने गियर डाल दिया दूसरा। भाई साहब मैं निकल जाने दो। देखिएगा ये देखिएगा मंकीज, देखिए अभी ये मीटिंग है। हेलो, ये अभी कर देगा हेलो आपकी, अच्छा चाल बाज बन रहे हो, आओ जरा खोपचे में।
डॉक्टर पूजा पहुंच चुकी हैं अपने घर पे और इनकी खुशी का कोई सीमा है। व्लॉग खत्म करते हैं, सामने पापा आ गए हैं। ये देखो सनसनी रोड और रात का सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी और पहुंच रहे हैं। अब देखो शायद एक घंटे में हम ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे वापस से। जूम देखे दोस्तों चाय आते आते भी जो है चाय बीच में जो है चाय शाहजी के यहाँ पे चाय है। चाय के साथ जो है क्या है छेना टोस्ट कल से हमारा और ये जो है भैया देख लो ये है स्पंज रसगुल्ले। डाइटिंग करने वाले कल से शुरू हो रही है यार। वन अभी कोविड हो गया था। अच्छा ठीक है अभी अब रेस्ट से उठे हैं। कल आराम रिकवरी के लिए रसगुल्ले खाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। भाई साहब इनको फीवर है और सुबह से ये टाइम आया है। क्या कितने दिन कब तक खेले हो आप? अब 9:30 बज रहे हैं। हाँ 9:30 बजे से अब तक लगातार 12 घंटे हो गए खेलते खेलते हैं। अन्नी अब हम देखेंगे क्या? बिग बॉस आज ग्रैंड फिनाले भाई साहब कोई भी जीते हमें बड़ा सुकून रहेगा। अब जो है एक चैप्टर बंद हो जाएगा डेली की घर में जो है ग्रह कलेश देखने का जो है पता नहीं किसके घर का ग्रह कलेश देख रहे हो। चलो ब्लॉग तो करो खत्म। आज का ब्लॉग यही खत्म। तो गाइस ऐसा करते हैं। वीडियो पसंद आया तो बाय बाय।